हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन स्टोरी है डॉन 3 की। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ऐसी और भी ऑसम फैन फिक्शन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। सभी फैन फिक्शन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मूवी की शुरुआत में हमें बहुत सारे गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा सोना चुराने का प्लान बना रहे हैं। अब उनको इस सोने के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि आज से 45 साल पहले ये सोना एक गैंगस्टर के पास था जो कि अपने सारे सोने के साथ इंडियन ओशन में डूबकर मर गया। और बाद में उस सोने को बरामद कर लिया गया और उसे स्पेन के गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। अब आगे हम देखते हैं कि इन गैंगस्टर्स को ये भी डर है कि अब इस खजाने के बारे में डॉन को भी पता चल गया है, और बस इसलिए ही वो लोग अब डॉन को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, डॉन को इनके प्लान के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। और फिर यहाँ से हम डॉन की एंट्री होते हुए देखते हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर पर लटक कर इनकी तरफ आ रहा होता है। इसको मैं अपने लफ्जों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता, बस अपने अंदर फील कर सकता हूँ और इमेजिन कर सकता हूँ। तो यार, आप लोग भी करो। तो दोस्तों, अब डॉन की धांसू एंट्री के बाद डॉन उन गैंगस्टर्स के पास जाता है और उनसे कहता है, सोने की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो और मैं तुम लोगों की जिंदगी बख्श दूंगा। लेकिन यार, ये लोग डॉन की बातों को सीरियसली नहीं लेते और यहाँ से स्टार्ट होता है एक एक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे डॉन उन सारे गैंगस्टर्स से अकेले ही फाइट करता है और उनसे फाइट करने के बाद वो पेन ड्राइव उनसे छीन लेता है जिसमें उस सोने की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर मलिक के रिटायर होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक नया सीनियर आता है जिसका नाम था ऑफिसर रणवीर। वो रोमा से पूछता है कि पिछली बार तुम लोगों ने डॉन को अरेस्ट क्यों नहीं किया, जिसपे रोमा कहती है कि उसके खिलाफ जितने भी क्राइम्स थे उनको वॉश आउट कर दिया गया है और अब हमारे पास डॉन को पकड़ने की कोई भी वजह नहीं है। जिसपे वो ऑफिसर कहता है, डू यू रियली थिंक कि डॉन अब सुधर चुका है और अब वो कोई भी क्राइम नहीं करेगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछली बार उसने उस दीवान का असली चेहरा बेनकाब कर दिया था, लेकिन हमें ये भी पता चला है कि जो प्लेट्स मिस्टर दीवान की कार के साथ जल गए थे वो नकली थे और असली प्लेट्स आज भी डॉन के पास है। इसलिए जर्मनी के गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो सारे पुराने नोट्स को डिमोनेटाइज कर देंगे, जैसा कि मोदी जी ने इंडिया में किया था ना, वैसे ही। इसलिए मेरी प्यारी दोस्त रोमा, अब डॉन के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय कोई दूसरा क्राइम करने के। बहुत जल्द डॉन कुछ बड़ा करने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ डॉन दोबारा से समीर को कांटेक्ट करता है ताकि वो उस छुपे हुए खजाने को ढूंढ सके। लेकिन दोस्तों, इस खजाने को किसी बैंक में नहीं बल्कि स्पेन के एक जेल में रखा गया है और वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि उसके अंदर से उस खजाने को चुराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और बस इसलिए ही अब डॉन और समीर एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो कि उस जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से समझ कर उसे क्रैक कर सके। और इसी तलाश में डॉन को एक दिन पता चलता है आलिया के बारे में, जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल उस स्पेन के जेल में ही बिताए थे ताकि वो वहां रहकर उस जेल की सिक्योरिटी को समझ सके। डॉन आलिया से मिलता है और उसे उसकी टीम में आने का ऑफर देता है, जिसपे आलिया कहती है, मैं जानती थी एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। जिसपे डॉन कहता है, आज दूसरी बार मुझे किसी में जंगली बिल्ली दिखी है। तो दोस्तों, अब ये सभी लोग अपने अड्डे पे जाते हैं और आलिया डॉन और समीर को उस खजाने की सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। आलिया कहती है कि आज से लगभग 45 साल पहले इंडिया के एक गैंगस्टर के पास बहुत सारा सोना था। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि उसकी एक सोने की खदान थी जहां पे हमेशा सोने की खुदाई होती रहती थी, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी भी खदान की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जिसपे समीर पूछता है, लेकिन उस गैंगस्टर का क्या हुआ? जिसपे आलिया कहती है कि इस बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन आखिरी बार वो अपने सारे खजाने को लेकर एक शिप में कहीं भाग रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उस पे हमला कर दिया और वो मारा गया और उसके शिप के अंदर जितना भी सोना था उसे स्पेन के गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया गया। अब स्पेन के गवर्नमेंट को ये मालूम था कि चाहे वो कितनी भी तगड़ी सिक्योरिटी रख दे, कोई ना कोई इस सोने को चुराने की कोशिश तो जरूर करेगा, और बस इसलिए ही उन्होंने इस सोने को किसी बैंक में नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में रखा जो कि स्पेन के एक जेल के नीचे है। अब उस वॉल्ट के अंदर दुनिया भर की सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम उस खजाने तक पहुंच भी जाते हैं तो शायद ही हम उस खजाने को कभी हाथ लगा पाएं, क्योंकि उस खजाने की रक्षा कोई पासवर्ड या फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि एक एआई कर रहा है। सो इसलिए गाइस, दिस इज द टफेस्ट जॉब। जिसपे डॉन कहता है कि एक बार मैं वहां पहुंच तो जाऊं, एआई क्या,
कोई भी मुझे उस सोने को चुराने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अब डॉन और उसकी टीम अपनी रिसर्च शुरू कर देती है, लेकिन तभी डॉन के अड्डे पे एक हमला होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर डॉन को पकड़ लेते हैं और फिर एंट्री होती है एक दूसरे डॉन की, जो कि थे अमिताभ बच्चन। बट यार हाँ, आप लोग ये मत सोचने लग जाना कि ये पुरानी डॉन वाली मूवी का डॉन है, बस यहाँ पे हमें अमिताभ बच्चन वाले डॉन मूवी का रेफरेंस दिया गया है। तो अब अमिताभ बच्चन का डॉन एसआरके के डॉन के पास आता है और उस पे बंदूक तान देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और फिर यहीं से मूवी का इंटरवल हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में। यार मेरे को एक बात बताओ, क्या आपका शरीर इन भाई साहब के जैसा हो गया है या फिर इन भाई साहब के जैसा? क्या आपका पड़ोसी और पड़ोसन भी आपको छेड़ जाते हैं कि भाई तू तो इतना मोटा हो गया है, क्या गेंडा है, क्या क्या खाता है, और तुम्हारे पास शर्म के मारे और कोई जवाब नहीं होता कि हाँ तेरे बाप का खाया क्या, ऐसे बोल देते हो तुम? और चलो यार तुम तो बोल देते हो, लेकिन जो लोग पतले हैं, कुछ लोग पतले भी होते हैं, तो अगर तुम पतले हो और कोई तुमसे बोल दे कि यार क्या कुछ खाता पीता नहीं है क्या, और तुम इतने बेबस हो कि तुम उनको बोल भी नहीं सकते कि भाई तेरे बाप का खाया है क्या, क्योंकि सामने वाला जवाब दे देगा कि पहले अपने बाप का तो खा ले। तो भाई असल मुद्दा यह है कि खाना और खजाना दोनों ने इंसान को परेशान कर रखा है। देखो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने वेट से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, और इसलिए हर्बल लाइफ लाया है आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके वेट वाले प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक एनर्जी ड्रिंक मिल जाती है, एक शेक मिल जाता है, एक पाउडर मिल जाता है, और इसके अलावा अगर आप चाहो, मान लो कि आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुहासे आ गए हैं या फिर किसी वजह से दाग धब्बे हो चुके हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि आपके दाग धब्बों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। चाहे आपकी उम्र 5 साल हो या फिर 50 साल, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है और अपने बॉडी के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है। अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फोन नंबर दे रखा है, उस पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो, यहां स्क्रीन में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे या तो कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, इंस्टेंट ही रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक बेनिफिट और है कि इसमें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो आपके लिए होंगे और आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि भाई जब आप इसको ऑर्डर करोगे तो आपका ऑर्डर लेने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका वेट कितना है और आपको कितना वेट घटाना है। मान लो कि आपको 10 किलो वेट घटाना है, 15 किलो वेट घटाना है, तो उस तरह से ही वो लोग आपको आपका डाइट बताएंगे कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएगी। बस इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी जिंदगी को फ्रीली जियो भाई। बॉडी ऐसी बनाओ, शरीर ऐसा बनाओ कि चार लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमें। तो भाई अब इंतजार किस बात का, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को अपने जिंदगी का पार्ट बनाओ। तो दोस्तों अब इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन के डॉन ने एसआरके के डॉन और उसकी साथियों को कैद कर लिया है, और वो एसआरके से कहता है, क्रिमिनल एंपायर में सिर्फ एक ही डॉन हो सकता है और वो डॉन मैं हूँ। मेरी थोड़ी सी उम्र क्या हो गई कि तुमने मुझसे मेरा क्रिमिनल एम्पायर ही छीन लिया। जिसपे एसआरके का डॉन कहता है, मैंने इस एम्पायर को छीना नहीं, हासिल किया है, और अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो क्यों ना मर्दों की तरह मेरा सामना करो। अमिताभ बच्चन का डॉन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो एसआरके के हाथ खोल देता है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है एक फाइट सीक्वेंस दोनों डॉन्स के बीच। भाई साहब ये सीन हमारे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को दो लेजेंड्स आपस में लड़ते हुए दिखेंगे और ये फाइट सीक्वेंस काफी देर तक चलती है। कभी एसआरके अमिताभ पे भारी हो जाता है तो कभी अमिताभ एसआरके पे। अब दोनों की फाइट हो ही रही होती है कि तभी आलिया कहती है, एक दूसरे से लड़ने के बजाय अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हमारे पास इतना खजाना होगा कि हमें दोबारा कोई क्राइम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आलिया की इस बात को सुनकर दोनों डॉन्स इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और अब ये सभी लोग मिलकर उस जेल के अंडरग्राउंड वॉल्ट में घुसने का प्लान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी दोनों डॉन्स एक दूसरे से कुछ खास खुश नहीं थे, लेकिन वो दोनों ये भी जानते थे कि इन दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। अब आगे हम देखते हैं कि समीर अंडरग्राउंड वॉल्ट का पूरा नक्शा सभी मेंबर्स को एक्सप्लेन करता है। उस वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले एक सीवर टनल से होकर गुजरना होगा। अंडरग्राउंड टनल के सारे कैमरास को तो समीर अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर सकता था, बस यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सारे गार्ड्स को हराने और किसी तरह वॉल्ट में घुसने के बाद सोना बाहर निकालने के लिए उन्हें उस लॉकर के एआई को चकमा देना होगा। दोस्तों असल में बात ये है कि जैसे ही लॉकर के सामने कोई भी खड़ा होगा तो उसका एआई जो है वो जमीन पे पड़ रहे वेट को मेजर कर लेगा और सिक्योरिटी अलार्म्स बज जाएंगे, और इस चीज को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके सारे कंट्रोल्स उस एआई के पास ही है। बट दोस्तों उस एआई को चकमा देने के लिए भी ये लोग एक प्लान बना लेते हैं जो कि हमें मूवी में आगे पता
चलने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर रणवीर और रोमा को एक खुफिया खबर मिलती है कि डॉन स्पेन के अंडरग्राउंड वॉल्ट से सारा सोना चुराने वाला है, और बस इसलिए ही वो लोग स्पेशल फोर्सेस का इंतजाम करते हैं और जेल को चारों तरफ से सील कर देते हैं। यहाँ दोनों डॉन्स और उनकी टीम एक वैन से जेल की तरफ जा रही होती है। रास्ते में दोनों डॉन्स की एक अच्छी कन्वर्सेशन चल रही होती है, जहाँ दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि आखिर वो डॉन बने कैसे। यहाँ हमें अमिताभ बच्चन के डॉन मूवी के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं और SRK की पहली डॉन मूवी के कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जेल में सारी सिक्योरिटीज का इंतजाम हो चुका है, लेकिन फिर भी डॉन और बाकी सब किसी तरह टनल से होते हुए वॉल्ट के अंदर घुसते हैं। लेकिन वॉल्ट में घुसते ही उनका सामना ऑफिसर रणवीर और रोमा से होता है। SRK का डॉन रोमा से लड़ता है और अमिताभ बच्चन ऑफिसर रणवीर से, और उनके बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से लड़ते हैं। काफी देर तक फाइट होने के बाद डॉन उन सभी को कैद कर लेता है और रोमा को गन पॉइंट पर रखकर बाहर खड़े सारे ऑफिसर्स को वार्न करता है कि अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो वो रोमा को मार देगा। जिस पे रोमा डॉन से कहती है, मुझे लगा था तुम सुधर चुके हो, लेकिन किसी ने सही कहा है, कुत्ता अपनी दुम सीधी भी कर ले, लेकिन वो कुत्ता ही होता है। जिस पे डॉन कहता है, अरे मेरी जंगली बिल्ली, ये बस ये आखिरी बार, फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि दोनों ही डॉन्स वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जितनी भी चीजें समीर के लैपटॉप से कंट्रोल हो सकती थी उसको कंट्रोल करके ये लोग उस सेफ की तरफ पहुंच जाते हैं जिसके अंदर सारा सोना रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसा कि समीर ने कहा था कि अगर उस सेफ की तरफ कोई भी आगे बढ़ता है तो सारे के सारे अलार्म्स बज जाएंगे। अब यार यहाँ बात सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स की नहीं थी, अगर वो अलार्म बज जाता है तो उस सेफ का AI खुद ही वॉल्ट को चारों तरफ से बंद कर देगा, और जिस लॉकर के अंदर सारा का सारा सोना रखा हुआ है उसे भी अगले 48 घंटे के लिए लॉक कर देगा, जिसे बड़े से बड़ा एक्सप्लोजिव भी नहीं खोल सकता। अमिताभ बच्चन का डॉन कहता है कि अब हम क्या करें, और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि SRK का डॉन लिक्विड नाइट्रोजन निकालता है और उसे लॉकर के चारों तरफ छिड़क देता है। अब नाइट्रोजन के वजह से वो पूरा चेंबर जम जाता है और उसका AI डॉन के वेट को रीड नहीं कर पाता, और इसी का फायदा उठाकर डॉन उस सेफ के अंदर घुस जाता है और सारा सोना बाहर निकाल लेता है। यहां दूसरी तरफ आलिया ने पहले से ही एक ट्रक का इंतजाम कर रखा होता है जिसके अंदर वो लोग सारा सोना डाल सके। तो अब आगे हम देखते हैं कि सारा सोना ट्रक में डालने के बाद SRK का डॉन रोमा को आजाद कर देता है, क्योंकि दोस्तों भले ही डॉन इस बात को माने या ना माने लेकिन उसके अंदर रोमा के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो जरूर है। लेकिन भाई जब रोमा के हाथ खोलने के बाद डॉन पीछे मुड़ता है तो अमिताभ बच्चन का डॉन उस पे बंदूक ताने खड़ा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि अमिताभ बच्चन के डॉन के साथ आलिया भी मिली हुई थी। SRK का डॉन अपने हाथ ऊपर कर लेता है और उससे पूछता है कि क्यों, मैंने तुम पे भरोसा किया था। जिस पे अमिताभ बच्चन कहते हैं, भरोसे की बात वो कर रहा है जिसने हमेशा दूसरों का भरोसा तोड़ा है, लेकिन हाँ डॉन, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे मरने की असली वजह तुम्हें जरूर पता चलेगी। विजय याद है? हाँ वही विजय जिसे वो वरदान नकली डॉन बनाना चाहता था। पता है वो कौन था? वो मेरा बेटा था। उसकी माँ को मेरा ये अंडरवर्ल्ड का बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरे बेटे को अपने साथ इंडिया ले गई। मैंने 25 सालों तक अपने बेटे और बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारी और मेरे बेटे की शक्ल एक जैसी है, और तुमने अपने फायदे के लिए मेरे बेटे को मार डाला। डॉन, तुम चाहते तो चुपचाप हॉस्पिटल से फरार भी हो सकते थे, लेकिन तुमने विजय को मार दिया। तो जब तुमने मेरे बेटे को नहीं बख्शा तो अब अपने बेटे की मौत का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार सकता था, लेकिन इस खजाने को चुराने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग की जरूरत थी डॉन। अब जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है तो अलविदा डॉन। और दोस्तों फिर ये सब कहकर वो डॉन पे गोली चला देता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो गोली डॉन को लगती, वहाँ पे रोमा आ जाती है, और जो गोली डॉन को लगने वाली थी वो गोली रोमा को लग जाती है। डॉन ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोने का एक टुकड़ा जो उसके पॉकेट में था उससे अमिताभ बच्चन के सर पे हमला कर देता है, और फिर दोनों डॉन्स के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर रणवीर भी आलिया से फाइट करने लगता है। अब दोस्तों फिलहाल के लिए रणवीर और डॉन एक ही टीम में है और दोनों का एक ही मकसद है, रोमा की मौत का बदला लेना। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता कि ये जो डॉन वर्सेस डॉन की जो एपिक फाइट है वो कितनी ज्यादा मजेदार होने वाली है। भाई बस इमेजिन करो, SRK का डॉन और अमिताभ बच्चन के डॉन आपस में लड़ रहे हैं भाई। तो अब काफी देर तक फाइट होने के बाद फाइनली SRK का डॉन जीत जाता है और वो अमिताभ बच्चन के डॉन को जान से मार देता है। उसके बाद वो जल्दी से रोमा की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है, इसलिए वो रणवीर से कहता है कि तुरंत ही रोमा को हॉस्पिटल ले चलो। जिस पे रणवीर कहता है कि डॉन, मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा,
और अंडरग्राउंड वॉल्ट से तुमने जो सोना चुराया है वो भी तुम्हें वापस करना होगा। जिस पे डॉन भी बिना कुछ सोचे उस ट्रक की चाबी उसे दे देता है और उसके सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन सरेंडर करने से पहले डॉन कहता है कि वो रोमा के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता है। पुलिस भी डॉन की बात मान लेती है क्योंकि डॉन के वजह से ही अमिताभ बच्चन वाले डॉन के सारे साथी पकड़े गए थे। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में ही डॉन फरार हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जिस ट्रक की चाबी डॉन ने रणवीर को दी थी उस ट्रक के अंदर तो कोई सोना है ही नहीं। असल में हुआ ये था कि जिस वक्त दोनों डॉन्स में फाइट हो रही थी उस वक्त समीर ने एक दूसरा ट्रक लगाकर वहां का सारा सोना उसमें ट्रांसफर कर लिया था। तो अब आखिर में हम देखते हैं कि डॉन और समीर सोने के ट्रक के सामने खड़े होते हैं और डॉन समीर को उसका हिस्सा देकर वहां से भिजवा देता है और फिर उस ट्रक के सामने जाकर एक सोना उठाता है और कहता है द परफेक्ट क्राइम। और फिर दोस्तों यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जहां डॉन उसी सोने के ट्रक के सामने खड़ा होकर अपने जीत का जश्न मना रहा होता है। लेकिन फिर तभी डॉन के पीछे से कोई आता है और कहता है वो सोना मेरा है। और यार हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अपने KGF वाले रॉकी भैया होते हैं जो कि अब थोड़े से ओल्ड भी हो चुके हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिस सोने को डॉन ने चुराया है वो वही सोना है जो KGF 2 की एंडिंग में समुद्र में रॉकी भाई के साथ में डूब गया था। और अब फाइनल शॉट कुछ ऐसा है कि एक तरफ डॉन रॉकी को देख रहा है और रॉकी डॉन को। और फिर यहीं से